ब्लैक होल, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। यही है आने वाले समय में इंसानों की सबसे बड़ी समस्या। बताता हूँ कैसे। ब्लैक होल को पहली बार 1783 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन मिशेल द्वारा खोजा गया था। पहले इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1967 में जॉन व्हीलर ने इसको समझना शुरू किया। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? जब कोई विशाल तारे का द्रव्यमान छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है तो वह ब्लैक होल बन जाता है। पहला ब्लैक होल 1971 में खोजा गया था, जिसका नाम सेगेटेरियस ए रखा गया। लेकिन ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ब्लैक होल नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन एक अध्ययन में लगाए गए अनुमान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 40 अरब ब्लैक होल देखने योग्य ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा दरिया है जिसके खिंचाव से प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह अपने आसपास आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, जिसमें ग्रह, उल्कापिंड और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज शामिल है। इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि जो भी इसके अंदर जाता है वो वापस कहीं ना कहीं से तो निकलता ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर जाने वाली कोई भी चीज़ वापस लौटकर नहीं आती, वो इसके अंधकार में हमेशा के लिए खो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या इंसानों को ब्लैक होल से खतरा है? तो दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के बारे में पता लगाया है, जिसकी दिशा पृथ्वी की ओर है। खास बात तो यह है कि इस ब्लैक होल से निकलने वाली किरणें धरती की तरफ पहुंच रही है, जो हमारी धरती से मात्र 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे सूरज से लगभग ये ब्लैक होल 10 गुना बड़ा है, जो हमारे लिए बेहद ही खतरनाक है। हम इंसान जिस तरह से विकसित हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी साइंस अर्थ को ब्लैक होल जैसे खतरों से बचा सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यह थी छोटी सी वीडियो ब्लैक होल पार्ट 1। इसके बारे में हम और भी समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।